और ब्रेक देखते हैं। ये देखो ये ऊपर हो गया, नीचे ब्रेक दबाना पड़ता है तभी होता है। ये देखो ब्रेक दबाया, नीचे गया, हो गया। मोटर लगी होती है, ये देखो ये मोटर का प्रेशर रिलीज नहीं होता, तो इसके लिए आपको अच्छा स्कैनर चाहिए होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों बहुत सी लग्जरियस कार होती है उसमें जो रियर पार्किंग ब्रेक होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, मतलब जो हमारे रेगुलर कार होते हैं उसमें हम हैंड ब्रेक खींचते हैं वो केबल के साथ कनेक्टेड होता है, वैसा नहीं होता, पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है। ब्रेक कैलिवर में मोटर्स वगैरह लगी होती है, तो इसका जो ब्रेक पैड चेंज करते हैं उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो ब्रेक पैड है वो किस तरीके से कैसे रिप्लेस किए जाते हैं, क्या क्या करना होता है, कैसा सेटिंग होता है, उसका किस तरह सेट करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये देखो ये फॉक्सवैगन की पासाट है और इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। देखो ये मैंने ऊपर किया तो मोटर का साउंड आता है और हमारा हैंड ब्रेक खींचा जाता है और ब्रेक दबा के इसको नीचे कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेक पैड है ये बदलना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, रेगुलर हम जैसे ब्रेक पैड बदलते हैं वैसा नहीं होता है। तो ब्रेक पैड बदलने से पहले क्या करना पड़ता है, इसका जो ब्रेक कैलिपर जो होता है वो बाहर आया होता है, क्योंकि पुराने एक ब्रेक पैड है तो घिसे हुए होते हैं, तो इसको अंदर दबाना पड़ता है। ये आप कितनी भी कोशिश कर दो अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेक का तो प्रेशर है, ऑयल का प्रेशर है, वो तो रिलीज़ होता है जब ब्रेक पेडल छोड़ते हैं। लेकिन इधर मोटर लगी होती है, ये देखो ये मोटर का प्रेशर रिलीज़ नहीं होता, तो इसके लिए आपको अच्छा स्कैनर चाहिए होता है। तो स्कैनर से इसको कमांड देनी पड़ती है, तब जो मोटर है पूरी अंदर चली जाती है और उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर से ये जो कैलिपर है वो अंदर कर सकते हैं। तो अभी पार्किंग ब्रेक हमने नीचे कर दिया है, मतलब ओपन है अभी, और इग्निशन ऑन किया है। अभी हमें जाना है, ये हमारे पास PS70 Pro है, तो इसमें हमें जाना है फॉक्सवैगन में VW, हाँ ये देखो VW मिल गया, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन करता हूँ, डिटेक्ट कर लेगा कार को, ठीक है। तो इसके बाद हमें फुल स्कैन करनी है गाड़ी, ये देखो पूरी स्कैन हो जाएगी, थोड़ा फोकसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये जितने भी मतलब इसमें मॉड्यूल लगे हैं ये पूरे स्कैन कर दिए गाड़ी ने, ठीक है। तो अभी फॉक्सवैगन में 53 नंबर होता है पार्किंग ब्रेक, ये देखो ये मिल गया। तो इसमें आपको डायग्नोसिस पे जाना है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक सेटिंग मिलेगी, ये देखो इसमें नंबर तो आपको पता नहीं होते, तो चैनल नंबर, डॉक्यूमेंटेड, बेसिक सेटिंग, ये देखो पार्किंग ब्रेक आफ्टर क्लोजिंग ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट, पार्किंग ब्रेक आफ्टर ओपनिंग ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट। तो पहले आपको ओपन करने है, ये देखो आवाज़ देखो पीछे आ रहा है, पूरे अभी ओपन हो गए, देखो पूरे ओपन हो जाएंगे तो आवाज़ आना बंद हो जाएगा, नीचे दिखाओ, ठीक है। ये देखो ये पूरे ओपन हो गए, ऐसे ही रखना है स्कैनर को, इग्निशन भी ऐसे ही ऑन करके रखना है। ये देखो ये इसी तरह रख दूंगा मैं, निकालना नहीं है बीच में। ये देखो ये तो लाइट भी आ गई पार्किंग ब्रेक की, ठीक है। अभी जो भी मोटर ने प्रेशर लगाया था वो प्रेशर तो रिलीज़ हो गया है, लेकिन ऑयल का प्रेशर अभी मौजूद है। अभी जैसे हम रेगुलर गाड़ी के ब्रेक पैड आगे के चेंज करते हैं वैसा, ये देखो ये ऐसे स्क्रू ड्राइवर से ब्रेक कैलिपर है उसको अंदर ढकेलना है, ये देखो अंदर चला गया। ये मतलब विदाउट स्कैनर को कमांड ये कितना भी खींचो होगा नहीं, डैमेज हो सकता है इससे। ये देखो ये पूरा जो कैलिबर है वो अंदर चला गया। अभी इधर देखो ये दो बोल्ट है, ये निकालेंगे तो कैलिबर बाहर आ जाएगा। अभी देखो दोनों बोल्ट निकाल दिए, अभी हमारा जो ब्रेक कैलिबर देखो ये बाहर आ गया। और इस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर आता है, जैसे ब्रेक पैड घिसते हैं तो ऊपर ऊपर आएगा, तो इसको नीचे लिए बगैर हम नए जो ब्रेक पैड है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए पूरा स्कैनर वगैरह लगा के ये करना पड़ता है बेसिक सेटिंग। ये देखो ये पुराने ब्रेक पैड है, ये देखो ये मतलब अभी थोड़े से रह गए, उस साइड के तो ज़्यादा घिस गए इसके, तो अभी नए ब्रेक पैड हमें इंस्टॉल करने हैं। तो ये थोड़ा साफ करके लेते हैं। तो इस करके लिए हमने जो ब्रेक पैड मंगाई ये मंगाए बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप से आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं,
डिलीवरी हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो ढेर सारे स्पेयर पार्ट बुडमू पे अवेलेबल हो जाते हैं। आपको प्योर जेन्युइन ओरिजिनल चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं, ओए चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। तो ढेर सारे स्पेयर पार्ट बुडमू पे अवेलेबल है। इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इसमें फिट करने के लिए हमने रोलांड्स कंपनी के ब्रेक पैड मंगाए, तो अच्छी कंपनी है और ये आफ्टर मार्केट है, जेन्युइन फॉक्सवैगन के नहीं है। ये थोड़े प्राइस में अच्छे मिल जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है, मतलब ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि आप जेन्युइन ही डालो, चलते हैं ये और एकदम अच्छे से चलते हैं, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। और कंपनी भी अच्छी है ये। तो ये क्लीन करके लिया, इधर एकदम थोड़ा सा ग्रीस लगाना है, एकदम थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो डिस्क पे आ जाएगा, ब्रेक पैड के बीच में आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एकदम थोड़ा सा ग्रीस लगाना है ताकि इसका जो वर्किंग है ब्रेक पैड का एकदम प्रॉपरली हो सके। और इसमें कोई नहीं होता, इनसाइड और आउटसाइड कुछ होता नहीं, कोई भी ब्रेक पैड किधर भी लगाओ कुछ टेंशन नहीं, ठीक है। और ये अंदर के साइड में सेम वैसे ही लगा देता हूँ। ये देखो ये ब्रेक पैड लग गया, इसके बाद ये ब्रेक कैलिबर है, ये देखो ये प्रॉपरली लग गया। अभी इसके दो बोल्ट है ये लगा देंगे। अभी देखो एक साइड का काम तो एकदम प्रॉपरली हो गया, तो प्रॉपरली हमने दोनों जो ब्रेक पैड है ये चेंज कर दिए, ठीक है। पूरे नट वगैरह टाइट कर दिए, नट बोल्ट टाइट कर दिए। अभी इस साइड का जो व्हील हमने निकाला था वो लगा देना है, स्कैनर या एज इट इज़ रखना है, इग्निशन भी ऑन है वैसे ही रखना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है बीच में। तो उस साइड का भी सेम जैसे मैंने दिखाया तरीका उसी तरीके से चेंज कर लूँगा ब्रेक पैड, और उसके बाद स्कैनर पर और कुछ काम करना पड़ता है हमें, वो भी दिखाऊँगा। देखो इस साइड के भी जो ब्रेक पैड है नहीं वो लग गए पूरा, नहीं देखो इस साइड के ज़्यादा घिस गए थे। तो अभी चलते हैं हम स्कैनर की तरफ। तो अभी ये बेसिक सेटिंग ऑन है, उसको ऑफ करना है, देखो ठीक है, ऑफ किया। ऑफ नहीं हुआ है तो कुछ टेंशन नहीं, पीछे आना है और क्लोज करनी है ब्रेक पैड। ये देखो अब जो ब्रेक पैड है क्लोज हो जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एकदम प्रॉपरली क्लोज हो गए, मोटर का आवाज आ गया होगा, झट से होते हैं। और अभी जो हमारा काम है वो हो गया, ये देखो ब्रेक का सिंबल था इधर वो चला गया, ठीक है। और नीचे आना है पीछे, ठीक है, और फॉल्ट कोड चेक करने, फॉल्ट कोड तो कुछ भी नहीं है। और अभी पार्किंग ब्रेक देखने लगता है क्या, ये देखो प्रॉपरली लग गया, नीचे भी हो रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग का बेसिक सेटिंग नहीं का होता है, कुछ डिस्टर्ब हो जाता है बीच में स्कैनर हटाते हैं, तो क्या करना है, ये जो बटन है ना ऊपर प्रेस करके रखना है तो भी क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन स्कैनर वगैरह हटाना नहीं है, हटाते हो तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो अभी एकदम प्रॉपर काम हो गया। अभी देखो इग्निशन ऑफ करता हूँ मैं, देखो इग्निशन ऑफ किया, इग्निशन ऑन किया, ठीक है। और ब्रेक देखते, ये देखो ये ऊपर हो गया, नीचे ब्रेक दबाना पड़ता है तभी होता है, ये देखो ब्रेक दबाया नीचे किया हो गया, ये देखो ऊपर हो गया नीचे हो गया, मोटर का हाथ सुन सकते हैं आप, ये देखो। तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जो ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट का काम है वो प्रॉपर हो गया। अभी स्कैनर आप हटा देते हो कुछ टेंशन नहीं, और अभी इग्निशन बंद करके व्हील वगैरह लगा देते हो कुछ टेंशन नहीं है, अभी तो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।